बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम माय चैनल। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, चिकन स्पाइसी ड्रमस्टिक सूट एंड स्पाइसी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लहसुन अदरक पेस्ट लिया है हमने 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट लिया है 1 टी स्पून, बारबेक्यू सॉस लिया है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ली है 1 टी स्पून, लहसुन पाउडर लिया है 1 टी स्पून, धनिया पाउडर लिया है कुटा हुआ भुना हुआ 1 टी स्पून, इमली का पल्प लिया है हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, नमक लिया है हमने 1 टी स्पून, आप हसबे ज़रूरत लीजिए, ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून, चाट मसाला लिया है 1/2 टी स्पून, और ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स स्वीट सॉस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शहद भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। चिकन के लेग्स लिए हैं, इन पे हमने इस तरह कट्स लगा लिए हैं, तकरीबन 12 पीसेज हैं ये। सबसे पहले इनको मैरिनेट करेंगे। चिली फ्लेक्स स्वीट सॉस जो था हमने वो डाल दिया है इसमें, लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है। चिली फ्लेक्स सॉस जो है स्वीट वाला, उससे ये है कि स्पाइसी और साथ में मीठा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, लहसुन पाउडर, चाट मसाला, धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, ये कुछ चाइनीज़ और पाकिस्तानी रेसिपी में मिक्स है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक शामिल किया है, बारबेक्यू सॉस शामिल किया है, मस्टर्ड पेस्ट भी शामिल कर देंगे इसमें। खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है इसका और विद स्पाइस, बहुत मज़ेदार रेसिपी लगती है। साथ ही इमली का पल्प हमने निकाला था वो डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कट्स में अच्छी तरह तमाम मसाले जो हैं स्पाइस को अच्छी तरह लग जाए, और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे हमने मैरिनेट करना है। 5 घंटे हमने इसको रखा था। 5 घंटे बाद हमने एक कढ़ाई में डाला है चिकन लेग्स को, और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो किया हुआ है। इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक चिकन अपना पानी जो है वो छोड़ दे, और ये उसके बाद इसको हम ड्राई करेंगे अच्छी तरह। 10 मिनट बाद हमने खोला है, ये देखिए इसका तमाम पानी जो है इस तरह निकल आया है। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, ये देखिए ये तकरीबन अच्छी तरह गल चुका है तमाम चिकन। अब इसका लिक्विड जो है ये फुली ड्राई करना है। 5 से 7 मिनट में ये देखिए फुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। फिर देखिए मार्क दे रहे हैं हमें ग्रिल करने, आप इस तरह भी बगैर मार्क के भी आप खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। ग्रिल पैन से थोड़ा सा हमने ग्रीस किया था ऑयल से, फ्लेम को बिल्कुल लो लो रखिएगा, हाई नहीं कीजिएगा। इस साइड से जैसे ही मार्क्स आ जाएंगे हमें इसे टर्न कर देना है, सेकंड साइड भी मार्क्स देने हैं, और उसके बाद सर्व करना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुका है बहुत अच्छी तरह चिकन। इसे ज़रूर अपनी पार्टी में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल रेडी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।